पति पत्नी एक दूसरे के साथ खेतों में शराब की पार्टी कर रहे थे। पत्नी चिकन बनाकर अपने पति को खिला रही थी, वो पैक पर पैक अपने पति को पिलाती जा रही थी, लेकिन अचानक से वो कुछ ऐसा कांड करती है जिसमें पति की मौत हो जाती है। यकीनन पूरा मामला सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास की। वहां पर रहने वाली अंजलि, जिसकी उम्र 27 साल थी, उसकी शादी 2 साल पहले बंटी के साथ हुई थी। वहीं बंटी खेती बाड़ी किया करता था और शादी के बाद अंजलि और बंटी दोनों खेतों पर रहकर वहीं पर काम किया करते थे। लेकिन आज से 1 साल पहले अंजलि की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है, और शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि बंटी का एक दोस्त जिसका नाम गणेश था, उसका बंटी के खेत पर आना जाना लगा रहता था, और इसी बीच उसकी नज़रें बंटी की पत्नी अंजलि से टकराती हैं। दोनों की बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं, और छुपा चोरी दोनों के अवैध संबंध, दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन बुराई ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है, और यही वजह थी कि बंटी अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है, और उसके बाद वो अपनी पत्नी को पीटता है, मारता है, उसको समझाता है, उसको धमकी देता है कि वो अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध ख़त्म कर दे। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी, वो तो अपने नए नवेले प्यार में, अपने आशिक के प्यार में पूरे तरीके से अंधी हो चुकी थी। वो तो हर कुर्बानी देने को तैयार थी, और यही वजह थी कि अपने पति की रोज़ रोज़ की पिटाइयों से तंग आकर उसको प्रेम कहानी के बीच में रोड़ा बनता हुआ देखकर वो उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख डालती है। वो उसको बोलती है कि संडे वाले दिन हम खेतों में शराब पार्टी करेंगे, तुम चिकन लेकर आना, मैं चिकन बनाऊंगी, तुम शराब पीना, मैं तुम्हें चिकन खिलाऊंगी। और संडे वाले दिन ऐसा ही होता है, बंटी शराब लाता है, चिकन लाता है, दोनों खेतों पर जाते हैं। अंजलि चिकन बनाती है, शराब के जाम बनाती है, अपने पति को पिलाती है। बंटी शराब पीता जाता है, पीता जाता है। जब वो नशे में पूरे तरीके से धुत हो जाता है तो अंजलि फ़ोन उठाती है, अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, उससे बोलती है पूरा मामला तैयार है, बस तुम्हारे आने की देर है। वहीं गणेश अपने 3 दोस्तों के साथ खेतों पर आता है। वहाँ पर बंटी नशे में धुत पड़ा हुआ होता है, गणेश आता है, उसके पास एक वायर थी, उसके गले को पूरे तरीके से दबाकर जब तक दबाए रहता है जब तक उसकी तड़पते तड़पते जान नहीं निकल जाती। उसके बाद चारों वहां से फरार हो जाते हैं। अंजलि वापस घर आ जाती है, और थोड़ी देर के बाद वो खेतों पर पहुंचती है, और वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, लेकिन जब बंटी के गले पर निशान देखे जाते हैं तो पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा जाता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस छानबीन करती है, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वहीं पुलिस जब अंजलि की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो वो गणेश को उठाती है, गणेश से पूछताछ की जाती है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। साथ में गिरफ्तार कर 5ों को जेल भेज दिया जाता है। अब आप इस कांड पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ के साथ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।